माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 13 ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस लेक्चर में हम मॉडल 2 पढ़ेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल का। मॉडल 1 हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, रीऑर्डर पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, और पिछले लेक्चर के लास्ट में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे इसके ऊपर। ओके, इस लेक्चर में हम मॉडल नंबर 2 को पढ़ेंगे। मॉडल नंबर 2 में क्या ऐड है, क्या हमें और चेंजेस करे हैं, और हमारा मेन मोटिव क्या है। हम रियलिटी की तरफ चल रहे हैं। मॉडल 1 बिल्कुल ही मतलब रियलिटी था ही नहीं, इमेजिनरी थी, कि आपको इनफाइनाइट रेप्लेनिशमेंट है या इंस्टेंट एंड इनफाइनाइट रेप्लेनिशमेंट है, ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ना कुछ उसको टाइम लगता है ऑर्डर को लेने के लिए। हम कुछ टाइम पहले, जिसको बोलते हैं लीड टाइम, हम ऑर्डर करना पड़ता है। ओके, ये सब चीज़ हम पिछले लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम मॉडल नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें मॉडल नंबर 1 ही होगा वो जो सेम हमने पढ़ा था, मॉडल नंबर 1। बस यहां पर हम क्या करेंगे ना, कि सेफ्टी स्टॉक लगा थोड़ा सा रखेंगे अपने पास। क्या रखेंगे? सेफ्टी स्टॉक। पहले से ही कुछ, पहले ऑर्डर में ना, किसी ऑर्डर में हमने कुछ एक्स्ट्रा मंगा के रखेंगे। इसको हमें क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसको बफर स्टॉक भी बोलते हैं, बफर स्टॉक भी बोलते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली समझे, आपसे भी कोई अगर ये पूछता है तो आप इसको ग्राफिकली समझाएं, ग्राफिकली चीजें ज्यादा समझ आती है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमें पता है। ये जो यहां पर, ये यहां पर क्या आती है, क्वांटिटी आती है इसमें। यहां पर क्या आता है, टाइम आता है, ऐसा ही है। यानी कि कुछ क्वांटिटी एस मान लेते हैं, सेफ्टी स्टॉक हम रखेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे। मान लेते हैं हमने लॉट साइज कितना बनाया, एक्स का बनाया, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बनाया था। तो ये जो लेवल होगा, ये सेफ्टी स्टॉक लेवल है। क्लियर? अब हमने ऑर्डर करा यहां पर मैक्सिमम एक्स करा। धीरे धीरे हमें पता है जिस तरह से कंजम्पशन रेट होगा, कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ये क्या हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा। ये टी टाइम है जो। क्लियर, समझ आ गई बात? और अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयर करें, बस वहां पर एस की वैल्यू जीरो थी और कुछ नहीं। अब अगले पॉइंट पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या होगा, बी। यहां पर हम फिर से इसी पॉइंट पे ऑर्डर, और इतना मेंटेन करके रखना। अब यहां से नहीं शुरू होगा, यहीं पर ही हमें उसी टाइम, यानी कि कुछ ना कुछ हम क्या दे के रख रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक दे रहे हैं, सो दैट कि हमारा काम चलता रहे। ये पॉइंट सी है, इस तरह से, यानी कि ये ग्राफ बनता रहेगा। क्लियर? अगर आपको ग्राफिकली चीजें समझ आ रही हैं तो समझो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। आप पिछले साल के क्वेश्चंस करके देखना। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसकी तरफ चल रहे हैं, हम रियलिटी की तरफ चल रहे हैं, और क्वेश्चंस जितने भी होंगे हम सभी सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। अब देखो, सबसे पहली बात, अब आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम इन्वेंटरी बताओ कितनी होगी। मैक्सिमम इन्वेंटरी एक्स प्लस एस, और मिनिमम इन्वेंटरी कितनी होगी, सिर्फ एस। ये मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम हमारे पास कितनी तक पहुंच सकती है, एक्स प्लस एस तक। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें सी एच की वैल्यू निकालनी होती है, कैरिंग कॉस्ट पर ईयर निकालनी होती है, उसके लिए हमें एवरेज इन्वेंटरी चाहिए होती है। ऐसा ही तो होता है। तो इन्वेंटरी, या कह सकते हैं एवरेज इन्वेंटरी, यानी कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू, यही तो फॉर्मूला है। वहां पर x बाय टू हो जा रहा था क्योंकि वहां s की वैल्यू जीरो थी, यहां पर s, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाय टू प्लस s, ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंटरी। अब क्योंकि हमें क्या मेन मोटिव रहता है, हमें लास्ट में टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यही हमारा मेन मोटिव है इसको पढ़ना। सिर्फ पैसे का खेल है, ठीक है, पैसे को जितना टोटल कॉस्ट है उसको कम करना है। अब अगर हम यहां पर टोटल कॉस्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है डी अपॉन एक्स इंटू सी नॉट, यही फॉर्मूला होता है, प्लस एवरेज इन्वेंट्री इंटू सी होता है। एवरेज इन्वेंट्री यहां पर कितना है, ये फॉर्मूला याद रखे, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है, ओके, सी एच इन प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस कौन सा कॉस्ट आता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मटेरियल की खुद की कॉस्ट, ठीक है, उसको वो फंक्शन एक्स पे डिपेंड नहीं करता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहां से हमने जो फॉर्मूला था सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है रीऑर्डर पॉइंट का, इस वाले मॉडल के लिए भी।
क्वेश्चन कम आए हैं इस टॉपिक पे, लेकिन पूछ सकता है आपसे कोई रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, ये नहीं, यहां तक वैल्यू, यानी कि यहां से यहां तक आर ओ पी, ये वाली होगी रीऑर्डर पॉइंट। ये वाली वैल्यू तो हमने पिछले लेक्चर में निकाल दी जब हमें एक्स पता है और ये टी पता था, ये हमने पहले ही पिछले लेक्चर में ही निकाल दिया था। ये टीएल था, ये क्या होता है, टीएल लीड टाइम होता है, तो हमने पिछले लेक्चर में निकाल दिया था, पिछला लेक्चर देख सकते हैं, आर इंटू टीएल यही निकाला था हमने पिछले लेक्चर में। बस यहां पर जो आर ओ पी होगा, आर इंटू टीएल तो ये आया था, बस यहां पर क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये एस जुड़ जाएगा, तो यहां के लिए आर ओ पी फॉर मॉडल टू, वहां पर क्या आ जाएगा, आर इंटू टीएल प्लस एस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, हम करेंगे क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, तो आपको बस क्या करना है, जब अगर आपको निकालना है आर ओ पी, तो आर, ये आर के कंजम्पशन रेट है, पिछला लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, लेक्चर 12 भी देखें, प्लस एस सेफ्टी स्टॉक है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसको मिनिमाइज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको सेफ्टी स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 200 यूनिट ऑर्डर करते हैं, तो कुछ सेफ्टी स्टॉक, मान लो 20 हमने क्या रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा सेफ्टी स्टॉक, या आपसे सेफ्टी स्टॉक भी पूछ सकते हैं अगर आपको रीऑर्डर पॉइंट दिया होगा, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, बस ये तरीका और ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, सिर्फ ज्योमेट्री से आपने आर ओ पी निकाल दिया, ठीक है, डायग्राम अच्छे समझे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अब हम करेंगे इसमें थर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल में क्या है, मॉडल नंबर थ्री, जिसके ऊपर गेट में दो तीन बार क्वेश्चन आया, और जो मेरा पिछला लेक्चर था एक्चुअली में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करा दिया था, लेकिन उसकी थ्योरी में अच्छे से नहीं बता पाया था, वो क्वेश्चन आ गया था तो मैंने सॉल्व कर दिया था, और तरीका मैंने वैसे आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में बता दिया था कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब मॉडल नंबर थ्री में क्या है, मॉडल नंबर थ्री, इस मॉडल को बोलते हैं प्राइस डिस्काउंट मॉडल, बुक्स में आपने देखा होगा प्राइस डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, और किसी किसी बुक में इसको वॉल्यूम डिस्काउंट मॉडल भी बोला गया है, ठीक है, वॉल्यूम डिस्काउंट मॉडल क्या मतलब है इस चीज का, आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे उसके लास्ट में मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने इस तरह से पर्टिकुलर मॉडल वाइज नहीं पढ़ाया, उसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई थी, मैंने आपको बताया था कि लॉट साइज के हिसाब से, जैसे कि आपको कोई भी चीज खरीदनी है, जब आप उसको ग्रुप में खरीदते हैं या उसको बंच में खरीदते हैं, जैसे कि साबुन की बात करें, अगर आप उसको चार में लेंगे पैक में, तो उसको कुछ ना कुछ रेट आपको कम मिलता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चार फिक्स कर दी, वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उसके ऊपर, वो क्या लगा दिया सप्लायर ने, दुकानदार ने, कि उस पे रिस्ट्रिक्शन है जो आप खरीद रहे हैं, सप्लायर से ही खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अगर आप चार खरीदेंगे तब उसका यूनिट प्राइस फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए होगा यूनिट प्राइस, लेकिन अगर आप उसको सिंगल सिंगल खरीद देंगे तो वो 45 रुपए होगा, 45 × 4 कितना हो जाएगा, 180, और यहां से आप चार खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, 160, यानी कि आपको 20 रुपए का फायदा होगा, क्लियर, और पर यूनिट आपको कितने का, 5 रुपए का, समझ रहे हो इस मॉडल में हम कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसको मैं पूरा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया, मैं फिर कह रहा हूं, अब यहां पर जो चीजें अलग हैं मॉडल नंबर वन से, हम उसको, क्योंकि हमने मॉडल वन को बहुत अच्छे से पढ़ा, अब ये जो बाकी के मॉडल्स हैं हम थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं, हमें तो मार्क्स लाने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं, और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका स्कोरिंग होना चाहिए, मतलब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो इनमें आपको जरूर आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये वाले टॉपिक, क्योंकि जो मुश्किल टॉपिक्स है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स या जो हमारे सब्जेक्ट हैं या थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आप फंस सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इसमें ना फंसे, ठीक है, इसमें ज्यादा वो आपसे नहीं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, उसमें इसमें मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिस लेवल का हम पढ़ रहे हैं वो मोर देन इनफ है, क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टोटल कॉस्ट थी, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमें पता है, देखो वो कितनी थी, इंटू सी नॉट प्लस एक्स बाय टू इंटू सी एच, ठीक है, प्लस
डी इंटू सीपी, यही हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या चीज ऐड करी है, ये चीज ऐड करी है, क्या चीज, ये जो मटेरियल की खुद की कॉस्ट है, सीपी क्या है, यूनिट कॉस्ट है, एक आइटम की कॉस्ट है कि भाई 10 रुपए की या 20 रुपए की 30 रुपए की, और डी क्या है, डिमांड है, कितनी टोटल डिमांड है, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी, अब हमने एक चीज जब फर्स्ट लेक्चर हमने इसके ऊपर किया था, मॉडल नंबर मतलब 1 बढ़ाया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन इस मॉडल में ये क्या होगी, वेरिएबल होगी, ये एक्स पे डिपेंड होगी। क्यों, अगर आपका एक्स लोड मान लो तो 500 खरीद रहे हो, तो आपकी जो सीपी की वैल्यू 10 रुपए है, अगर आप 500 से ज्यादा का खरीद रहे हो तो वो 9 रुपए है, तो यहां से आपको, यानी कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना आपकी ये वैल्यू, देखो सीपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना एक्स के हिसाब से, समझ आ गई बात। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर होगी होगी इस मॉडल में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे इसके हिसाब से जज करेंगे, और ये जो मॉडल है जब तक आप इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ज्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। देखो रियल लाइफ में अगर आप देखा होगा आपने कि हमें डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम उसको ज्यादा खरीदते हैं क्वांटिटी में, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना लॉट साइज लें कि हमारा जो टोटल प्राइस जाए, हम कितना लॉट साइज खरीदें कि टोटल प्राइस हमारा मिनिमाइज हो, तो उसी को ईओक्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईओक्यू। तो इस पर्टिकुलर मॉडल में खाली फॉर्मूले से काम नहीं चलता, हमें टोटल जज करना पड़ता है, सारी वैल्यूज जो हमें टेबल में दी होगी सब में वैल्यूज आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, और आपको डिसाइड करना होगा कि इस मॉडल के लिए आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब लेक्चर के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, मॉडल में बस इतना ही है, बहुत ज्यादा थ्योरी कुछ इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। पिछले लेक्चर में के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन सही में बहुत अच्छा है और वो इसी मॉडल पे है। अब वहां पर डिफरेंस क्या आया था, हमने जो टोटल कॉस्ट निकाली थी वहां पर हमने ये मटेरियल की कॉस्ट खुद की भी उसमें एनालाइज किया था, क्योंकि यूनिट जो प्राइस था वो वेरी कर रहा था, ठीक है। तो वो यानी कि हमारी जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट है वो भी क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था ये फिगर, उसमें क्या था, जो आपकी वैल्यू थी वो कितनी थी, 25,000 kg आपको क्या था उसमें इतना यूज कर रहा था पर ईयर, क्वेश्चन ऐसा था, और उसमें टेबल थी इस टाइप से, क्वांटिटी थी इतनी थी 750 से 1499 थी, और उसके बाद 1500 से अबव थी, और हमारा जो यूनिट प्राइस है वो इस क्वांटिटी के हिसाब से वेरी कर रहा था, यहां पर 70 था, यहां पर 65 था, और यहां पर 60 था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दी थी 500 पर ऑर्डर, ऐसे ऑर्डरिंग कॉस्ट दी थी, और आपको कितना इंटरेस्ट भी दिया था, ठीक है, कितना दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया था, ठीक है, ऑफ द प्राइस, ऑफ द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था, हमें उसने ईओक्यू पूछा था। जैसे कि हमने हम ये मॉडल पढ़ लिया तो हमें लॉजिकल समझ आ गया कि इसमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें मटेरियल की खुद की कॉस्ट निकालनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसके ऊपर एक और हम क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि और क्लैरिटी आए। गेट में एक और 2006 या 2007 में ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी हम डील करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लोएस्ट प्राइस से शुरू करते हैं, ठीक है, लोएस्ट प्राइस से शुरू करते हैं जिसमें कि हमारी यूनिट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी है सबसे छोटी, सबसे कम रेट पे जाएंगे, लेकिन उसमें क्वांटिटी देखेंगे जो इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईओक्यू निकालेंगे सिंपल फॉर्मूले से। अगर वो ईओक्यू इस 1500 की रेंज में आती है तो हमने सही क्वांटिटी ली है, सही रेट आ गया हमारा, लेकिन अगर वो ईओक्यू इस रेंज में नहीं आया तब यानी कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखना इसको प्रोसेस कैसे करना है, बहुत आराम से मैं इसको समझाऊंगा सो दैट कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लें।
सबसे पहले इस रेट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो मैं फॉर्मूला तो आपको बार बार नहीं रटवा सकता, आपको खुद याद होगा ही। अब अपॉन सी एच होता है, यही होता है। अब पहले वाले के लिए मान लेते हैं सी एच वन है, क्योंकि यहां पर सब चीज सेम है, डिमांड की वैल्यू भी 25,000 है, सी नॉट की वैल्यू 500 है, अपॉन सी एच की वैल्यू कितनी होगी, 20% दिया, ये क्या आई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो ये जो है ये आई क्या है, ये तो आई है, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, सी एच है, यही होता है सी एच। 20% है किसका, 60 का, तो ये क्या आ गया, यूनिट कॉस्ट पर ईयर आ जाएगा, पर ईयर में आ गया। जब हमने इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किस में आ जाता है, पर ईयर में आ जाता है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर ईयर में आ जाता है। तो यहां से सॉल्व करके वैल्यू हमारी पिछले लेक्चर में कितनी आई थी, 1443 या 44 आई थी, इस टाइप की वैल्यू आई थी हमारी। लेकिन वो इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा, 1500 से अबव होगा तभी 60 के आपको मिलेंगे, यहां से समझ आई बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो यानी कि हमारा ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद हम क्या करके रखेंगे कि हम 65 से चेक करके देखेंगे कि यह इस रेंज में आ रहा है। अब हम 65 से भी चेक करके देखते हैं ना, 65 पे रखोगे तो यहां पर बस क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, बात समझो, सी एच टू में क्या आ जाएगा, दूसरे रेट के लिए बस यहां 65 आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी। तो वहां से हमने जो ईओ क्यू सेकेंड वाले केस में निकालेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1386 कुछ आई थी वैल्यू, इतनी यूनिट्स आई थी। अब ये इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये फिजिबल सॉल्यूशन तो है। इसके लिए हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। अब क्या निकाल देते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगी इसके लिए। अभी हम मैंने आपको बताया, आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, जो मैंने आपको इसमें बताया ईओक्यू के लिए, ईओक्यू के फॉर्मूला क्या होगा, आप चाहे इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप वो एवरेज वाला भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको ईओक्यू के लिए डायरेक्ट लगाना तो हमें पता है 2DC0 × CH, यही फॉर्मूला, प्लस CP × D, बात समझ में आ गई। अब यूनिट, ये जो कॉस्ट है, अब ये वेरिएबल है, उसका रीजन क्या है, देखो ये एक्स पे, ये क्वांटिटी क्या है, एक्स है, इस पर डिपेंड कर रही है ये रेट, यूनिट प्राइस, सीपी की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू वेरिएबल होगी, देखो, क्योंकि सीपी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, देखो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहां से क्या, अब यहां से टोटल कॉस्ट आप निकाल लोगे, अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 25,000 दी है डिमांड, ठीक है, सी नॉट की वैल्यू भी हमें दी है 500, सी एच की वैल्यू 65 के हिसाब से निकालनी है, क्योंकि अब हम किसके हिसाब से निकाले, ईओ क्यू हमने किसके लिए निकाला, 65 के हिसाब से निकाला, क्लियर। तो यहां से आ जाएगी वैल्यू, और ये सीपी की वैल्यू प्लस 65, 65 के हिसाब से मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, इंटू डिमांड की वैल्यू कितनी है, 25,000। तो यहां से हमने कुछ वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी कुछ 16 लाख, ठीक है, 16,43,000 कुछ आई थी वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, इस टाइप की कुछ वैल्यू आई थी 16 की लाइन में, ठीक है। हमने ये कॉस्ट निकाल के देखी, बट अब मैंने आपको कहा सारे ऑप्शन हमें चेक करने हैं, हमें एक बात तो पता लग गई कि इसके लिए इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, इससे जस्ट पिछला मॉडल हमें क्या है, जो ये वैल्यू थी, हमें ये तो बात पता लग गई कि इस वाले के जब हम रेट से चल रहे हैं, जब हम इसके रेट से चल रहे हैं, समझो इस बात को, तो हमें जो ईओ क्यू है वो इस रेंज में नहीं आ रहा, वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे हम, अब हमें एक बात पता लग गई थी कि जब हमने 60 के हिसाब से चला था, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी, 1443 आई थी, ये ईओ क्यू आया था किसके हिसाब से, ये 1443 पे, ठीक है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो ऐसे आई थी यहां पर, ठीक है। लेकिन जो आपका ये वाली कॉस्ट आएगी किसके लिए, 1500 के लिए, क्यों, अब मेरे को पता लगा, अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यार 1443 में तो हमारा ये फिक्स दुकानदार नहीं देगा, शॉपकीपर नहीं देगा हमें, अगर हम इतनी क्वांटिटी लेंगे तो हम क्या करते हैं, जस्ट इससे अगले वाली क्वांटिटी को देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के देखते हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा के देखते हैं। तो यहां पर मैंने पिछली बार आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था, ठीक है, तो वहां से ये 1443 यहां आएगा, सॉरी 1443 एक्स इधर आएगा,
तो यहां पर टोटल कॉस्ट यहां पर इतनी आ रही थी, लेकिन जब आपने थोड़ी सी और बढ़ाई इसमें 1500 कर दिया, इस डायग्राम से समझो, इसको अलग पेज से कर देता हूं मैं ताकि और अच्छे से समझ आए आपको। जब आप इसमें एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, आप 1500 रखोगे डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ें, जब ये 1443 थी तो ये मान लेते हैं कि टोटल कॉस्ट ऐसे आ रही थी यहां पर, ठीक है। अगर अगर अब आपको मैंने बताया 1500 पे चेक करके देखते हैं, 1500 पे क्या करना होगा, आपको जो यूनिट प्राइस लेनी वो 60 ही लेनी है और फिक्स अमाउंट आपको ईओ की कितनी लेनी है, 1500 लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में कौन से फॉर्मूले में रख देना है, इस फॉर्मूले में सेम तरीके से 2D, ठीक है, सी नॉट सी एच प्लस सीपी इंटू डी, ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू, ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी, बस यहां पर कितना आ जाएगा सी एच की वैल्यू 20/100 × 60 आ जाएगा सी एच की वैल्यू, ठीक है। सी नॉट 500 आएगा, डी की वैल्यू 25,000 की 2, ये जो आएगा अब 60 लेंगे हम, हमें फायदा भी तो देखना है ना, वहां पर हमें प्राइस कम मिल रहा है, 60 रुपए में मिल रही है वैल्यू और डिमांड क्या है 25,000, तो यही जो वैल्यू है हमें बिल्कुल जो टोटल कॉस्ट है कम करके दे रही है। तो हमने पिछले उसमें भी निकाला था कि ये जो 65 × 25,000 था, जो जस्ट इससे 65 के हिसाब से हमने रेट किया, जो 16,43,000, इसी से मेरे को आइडिया हो गया था खुद ही कि यार चक्कर इसी का है, 60 या 65 का, ये तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो वैल्यू कुछ 1,17,000 या 18,000 में आ रही है वैल्यू, मेन तो इसी का ही खेल है, ये मेरे को तभी पता लग गया था। तो यानी कि अगर मैं यूनिट प्राइस कम करके रखूं, ठीक है, और ईओक्यू मैं इतना लूं पर्टिकुलर कितना 1500, ठीक है, ईओक्यू कितना लूं 1500, और ईओक्यू 15 लेने का क्या मतलब, मतलब ईओक्यू मतलब क्वांटिटी जो उसका लॉट साइज है, कैसे, क्योंकि मुझे पता है जब एक्स की वैल्यू मैं 1500 ले रहा हूं तो यूनिट प्राइस मेरे को, तो ये वाली जो मिनिमम क्वांटिटी थी, ये जो मिनिमम क्वांटिटी हमें लेनी थी, इसके लिए यही हमारा क्या हो जाएगा, ईओक्यू हो जाएगा। आप इससे भी करके देखना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो टोटल कॉस्ट है जैसे मैंने निकाला, तो आप उस वाले फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं, डी अपॉन एक्स प्लस सी नॉट, ठीक है, प्लस एक्स बाय 2 × CH प्लस CP × D, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो यहां पर आप 1500 लेके चले, सी नॉट की वैल्यू, डिमांड की वैल्यू दी है, तो आप यहां से ये भी क्या निकाल सकते हैं, आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं होता यहाँ, वहां पर एक्स की वैल्यू उसने पर्टिकुलर वही वैल्यू रख दी, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कैसे क्या है ये डिस्काउंटेड प्राइस मॉडल, ठीक है। जैसे कि एक गेट 2006 में भी क्वेश्चन आया है सेम इसी पे, वो इससे भी आसान है, ये गेट 2015 या 2016 का क्वेश्चन था, उसने हमें डिमांड दे दी, कितनी दे दी थी 25,000 दी थी और 2500 यूनिट पर ईयर में दी है डिमांड, जनरली डिमांड पर ईयर में ही होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसने दिया है 100 पर ऑर्डर, ठीक है, और CH की वैल्यू उसने कितनी दी है 0.25 ऑफ यूनिट प्राइस या 25% ऑफ यूनिट प्राइस, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं जो मैंने नोट करी है, ठीक है। क्वेश्चन को मेरे को आपको समझाना है सेम, और आप इसको ट्राई करें, गेट 2006 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी आ सकता है, क्योंकि 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आ गए, एक बार 5 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आया, तो ऐसे टेबल दी थी इसी सेम टाइप की, जब आपको लेस देन 500 होगी और ग्रेटर देन 500 होगी, तो यूनिट प्राइस जो आपका यहां पर 10 था और यहां पर ₹9 था, ठीक है, और ये क्या है एक्स की वैल्यू थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लोएस्ट वैल्यू से शुरू करेंगे, 9 से चेक करेंगे, जब हमने कितनी वैल्यू रखनी है 9 रखनी है, ठीक है, 9 रखनी है वैल्यू, तो क्या होगा 9 वैल्यू के लिए आप क्या रखेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, ईओ क्यू निकालो इसके लिए कि यार ये फिजिबल आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, वैसे तो आएगा ही नहीं, ठीक है, 2 × डिमांड की वैल्यू 2500, ठीक है, इंटू सी नॉट की वैल्यू 100 अपॉन जो सी एच की वैल्यू है 9 आएगी, तो यहां से सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी 471 आएगी, आप सॉल्व करके देखना, ये मेरे को वैल्यू भी याद है, ठीक है, 471 आएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि लेकिन ये ग्रेटर देन 500 होगी यूनिट, तभी ये रेट चलेगा,
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इसके लिए चेक कर लेते हैं एक बार कि इसके लिए जो हम ईओक्यू का फॉर्मूला फिजिबल आएगा या नहीं आएगा इससे अगले प्राइस पे, जैसे हमारा पूरा मेथड है। तो उसके लिए अगर हम ईओक्यू निकालेंगे बस यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, तो उसके लिए भी वही वैल्यू आ जाएगी 447 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू, सॉल्व करके 448 मान लो वो इस रेंज में आ जाएगा। तो उसके लिए हम टोटल प्राइस निकालेंगे, टोटल एनुअल कॉस्ट, बात समझ रहे हो ना, अगर आपका इस रेंज में आता है तो आप टोटल कॉस्ट निकालना शुरू करिए और उसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, और हम फॉर्मूला जो लगाएंगे इस तरीके से लगाते हैं आप, ठीक है, जो आपको याद रखना है। टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इंटू सीपी, ये तो खुद की मटेरियल की कॉस्ट है, डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू अपॉन टू इंटू सी एच, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्यू लिया, आप एक्स भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके लिए क्यू निकाला है, ईओ क्यू निकाला है ना, कितना 448 आया, तो उसको हम क्यू ही बोलते हैं। तो या तो चाहे आप एक्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं, यहां रख दीजिए वैल्यूज, डिमांड की वैल्यू 2500, सीपी की वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 10 के रेट से हिसाब से चल रहे हैं अब हम, क्योंकि ये किस रेंज के लिए हमने ईओ क्यू निकाला, 10 के लिए अब निकाले क्योंकि ये तो फिजिबल ही नहीं आया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से यूनिट प्राइस 10 के हिसाब से चल रहे हैं, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस डिमांड क्या है 2500 अपॉन क्यू की वैल्यू, अभी कितनी निकाली हमने 448 इंटू सी नॉट की वैल्यू 100 है, प्लस इसकी क्यू की वैल्यू 448 निकाल ली हमने अभी, डिवाइड बाय सी एच की वैल्यू कितनी है, सी एच की वैल्यू कितनी है 25% है ऑफ 10 का लेंगे, बात समझ में आ गई, यहां से आप वैल्यू सॉल्व करके रखेंगे तो वो वैल्यू को 26,000 कुछ आएगी, इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं इसको कैलकुलेटर से, ठीक है इतनी ही आएगी लगभग वैल्यू, ठीक है। तो ये तो 448 पाई, अभी मेरा मेन मोटिव क्या, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन देखो सेम चीज, अभी हम क्या करेंगे जस्ट इससे अगली वैल्यू, हमारी नजर किस पे पड़ेगी यार, इसकी ना एक ही यूनिट प्राइस का 9 रुपए बैठ रहा है, क्यों ना मैं इसका कुछ ना कुछ इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी इस पे कॉम्प्रोमाइज करता हूं, 500 ही लेके देखता हूं क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे वो 22-23 हजार आएगी वैल्यू सॉल्व करके, बस वहां पर क्या है आपको जो क्यू की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, यहां पर ये जो ये वैल्यू है ये वहां पर कितनी वैल्यू लेनी है आपको 500 लेनी है, कितनी लेनी है ये भी वैल्यू 500 लेके रखनी, और सी एच की वैल्यू वहां के लिए कितनी हो जाएगी 0.25 × 9, गड़बड़ नहीं करनी, यूनिट प्राइस कितना है उस केस के लिए 9 है, ठीक है। तो मेन तो यही जो वैल्यू है ना ये 2500 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 2500 को 10 से, यही मेन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर वो जो वैल्यू आएगी 23,000 कुछ आएगी, और हमें पता है कि चाहे कुछ भी आपने कोई भी फॉर्मूला, हमें तो पैसे से मतलब है, पैसे इस वाले जब हमने ऑर्डर लॉट किया तो इसमें मिनिमम आ रहा, और हमें पता है कि हम ऑप्टिमल साइज तभी निकालते हैं जब वो कॉस्ट क्या आ रही हो, मिनिमम हो, या वही हम लॉट साइज लेंगे जिसमें कॉस्ट मिनिमम आ रही हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं समझ आया तो पिछला क्वेश्चन देखें, इससे पिछला लेक्चर देखें, हो जाएगा आपसे, खुद ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने टेस्ट सीरीज में देखें तो जरूर मेरे को भेजें, मैं उनको ट्राई करूंगा, ठीक है, आप भी करें खुद ट्राई इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमने ये 2-3 मॉडल अब तक इन्वेंट्री के कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट लेक्चर में अब बाकी जो बचे हुए 2 मॉडल हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके ऊपर जो गेट में आए हुए क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, सो दैट कि हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इससे अगला लेक्चर होगा, जब ये इन्वेंटरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम पर्ट सीपीएम और कॉस्ट क्रैशिंग वाले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो रहेगा, तो लगभग 2-3 दिन उसको भी लगेंगे कवर अप होने के लिए, ठीक है। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।